तो हे गाइस, आज की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने फोन पे से लोन लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो गाइस, अगर आपको भी पैसे का ज़रूरत है, अगर आपको किसी इमरजेंसी के समय बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो जाता है, तो गाइस बहुत ही इजी तरीके से फ़ोन पे से लोन ले सकते हो। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ गाइस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप वॉच कर लेते हो, अगर आप बिना स्किप किए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फिलअप करना है, अगर आपका 18 साल नहीं हुआ फिर भी आप कैसे फोन पे से लोन ले सकते हो, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए गाइस पहले आपको क्या करना है कि जो वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से जाकर एक लाइक कर दो। और लाइक करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लो। बगल में जो बेल आइकन की घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर लो इसी तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है कि अभी अमेज़न के अंदर और फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, तो उसमें गाइस मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो फटाक से जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद चलिए अब मैं आपको फिलहाल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन पे से लोन ले सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो उसके लिए गाइस पहले आपको क्या करना है कि फोन पे को ओपन कर लेना अगर आपके मोबाइल में फोन पे है तो, अगर नहीं है ना तो पहले ये इस वाले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको फोन पे कैसे इंस्टॉल करना है और कहां से करना है। तो गाइस अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टॉल करते हो तो वहां से आपको 100 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद फिर अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे अगर आप फोन पे यूज नहीं करते हो तो कैसे फोन पे यूज कर सकते हो एंड गाइस कैसे उसके अंदर न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहां पे फोन पे के होम पेज पे आ चुका हूं। तो अब गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा लोन एंड रिपेमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हो ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के नाम देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे आपको लोन सर्च मार लेना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपनी शो करने लग जाएंगे जो कि गाइस आपको लोन देने को प्रोवाइड है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ जिस कंपनी से बताऊंगा वो कंपनी बहुत ही सेफ और सिक्योर है गाइस। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ से क्या करना है कि मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद गाइस फिर से आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ब्रांच पर्सनल लोन जैसे सर्च मारते हो तो आपको एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा कुछ इस तरह का, वो देखने को मिलेगा जैसे कि देख सकते हो। तो गाइस यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो ना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप भी ओपन कर लीजिएगा। देख सकते हो मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो देख सकते हो जैसे आप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले गाइस आपको यहाँ पे बोलेगा लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो वहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर गाइस इस एप्लीकेशन को आप पहले से इंस्टॉल किए हैं और फिर से डिलीट मार के फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो गाइस आप फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल किए हैं तो गाइस आप सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंट्री चूज करने को आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले से इंडिया है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद फिर से आपको नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो रीसेट विथ फोन नंबर और रीसेट विथ फेसबुक। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। लेकिन गाइस ये आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हो। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे नाउ अकाउंट पे क्लिक करते हो तो जो नंबर आपने फिलअप किया था उस नंबर पे आपको 4 अंक का डिजिट कोड आएगा। वहाँ पे गाइस एक मैसेज आएगा, उसमें 4 अंक का डिजिट कोड रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है और खुद ही फिलअप हो गया, फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद गाइस यहाँ पे लॉगिन लेगा। लॉगिन लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और जैसे कि देख सकते हो उस जो एप्लीकेशन था उसका होम पेज आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर KYC करना है। उसके बाद गाइस आपका वो जो लोन है सक्सेसफुली ओके हो पाएगा।
तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ प्रोफाइल फोटो पे जाना है। प्रोफाइल फोटो पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपको एक प्रमोशन कोड फिलअप करने कहेगा, तो जैसे ही आप प्रमोशन कोड को फिलअप करते हो और ये गाइज सभी कैपिटल में होना चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रमोशन कोड पे क्या फिलअप। और हाँ गाइज ये जो कोड यहाँ पे मैं फिलअप करूंगा इस कोड को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर गाइज और देख कर फिलअप कर लीजिएगा या फिर यहाँ से भी फिलअप कर सकते हो। तो चलिए मैं फिलअप करके आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने वो वाला कोड को फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद गाइज जैसे यहाँ पे अप्लाई कोड पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का टिक लग जाएगा। उस एप्लीकेशन का फिर से होम पेज पे चला है। होम पेज पे अब आने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हो ना तो उसके बाद फिर आपसे कुछ अलाउ मांगेगा, जो कि आपको सभी अलाउ दे देना है, उससे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप देख सकते हो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इस पे आपको जैसे क्लिक करते हो तो नीचे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। अब गाइज यहाँ पे अब आपको 18 साल नहीं हुआ है तो कैसे लोन ले सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। तो अगर गाइज आपके घर में माता या पिता या फिर बड़े भाई या बहन होंगे तो उनका आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ आगे की प्रोसेस बताने के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है कि जो आपका आधार कार्ड है ना उसका जो ओरिजिनल होता है वो यहाँ पे आपको एक फोटो खींच लेना है। तो चलिए मैं आपको खींच के बता देता हूँ कैसे खींचना है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने खींच लिया। उसके बाद फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कर दो फिर से आपके मोबाइल में कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गाइज अब आपको क्या करना है कि अब आपके आधार कार्ड के सेकेंड वाला जो पार्ट होते हैं ना उसको भी खींच कर अपलोड कर देना। तो चलिए मैं इसको भी खींच कर अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हो ये भी मैंने खींच लिया है। उसके बाद गाइज फिर से आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर तो फिर से आपके मोबाइल में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब आपका एक सेल्फी फोटो मांग रहा है, तो यहाँ पे चलिए मैं अपना सेल्फी फोटो दे देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना एक सेल्फी फोटो भी ले लिया। उसके बाद फिर से मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद गाइज अगला जो इंटरफेस खुल कर आएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो खुलकर आ जाने वाला है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपका ये जो नाम है यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे पैन नंबर, आपको पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। यहाँ पे फिर आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका एड्रेस शो करने लग जाएगा, जैसे कि देख सकते हो पिन कोड भी शो कर रहा है। और फिर आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको टर्म एंड कंडीशन है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से फिलअप करके आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइज अगर आपके 18 साल नहीं हुआ है तो अपना माता या पिता या फिर भाई बहन का पैन कार्ड का नंबर जो होता है फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अब आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को नहीं मिल सकता, क्योंकि गाइज मैंने फोन पे से पहले ही एक लोन ले लिया हूँ, इसलिए गाइज वो अभी तक मैंने नहीं पेमेंट किया है, इसलिए यहाँ पे दोबारा मेरे को नहीं मिल सकता। अगर गाइज आपका भी सिविल स्कोर अच्छा होगा, अगर आप भी फोन पे से ट्रांजेक्शन अच्छे खासे कर लेते होंगे तो आपको बहुत ही इली तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए इधर शो नहीं करेगा। तो गाइज इसके बाद फिर आपको क्या करना कि ये भी मैं बता दूँ। इसके बाद जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे गाइज आप जितना लोन लेना चाहते हो वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको सारा शो करने लग जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना क्या लगेगा। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर से आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, अपना जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद गाइज वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में बहुत ही इजी तरीके से लोन मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको लोन मिला कि नहीं। नहीं मिलता तो मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। तो गाइज अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो। और यहाँ पे गाइज बहुत देर से लाइन कट चुका, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आप अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ भी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन की घंटी ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।